जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए चरस रखने के जुर्म में आरोपियों को 10 साल कठोर कारावास व 1,00,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी जिला न्यायवादी LM शर्मा व कमल चंदेल ने की। फैसले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि उक्त आरोपीगण श्याम सिंह उम्र 47 वर्ष पुत्र प्रेमदास गांव टिकपर डाकघर कोठी व बालकृष्ण उम्र 47 वर्ष पुत्र सालीग्राम गांव छबोली डाकघर चवाई तहसील आनी जिला कुल्लू को यह सजा सुनाई गई है। दिनांक 27/9/2024 को जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए NDPS एक्ट में आरोपीगण श्याम सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री प्रेमदास गांव टिप्पर डाकघर कोठी तहसील आनी जिला कुल्लू उम्र 47 वर्ष व बालकृष्ण पुत्र श्री सालीग्राम गांव छबोली डाकघर चुवाई तहसील आनी जिला कुल्लू उम्र 47 वर्ष को 10 साल कठोर कारावास व 1,00,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दिनांक 17/6/2022 को पुलिस पार्टी मुख्य आरक्षी अनुपम की अगुवाई में प्राइवेट गाड़ी में मादक पदार्थ की रोकथाम हेतु रवाना थी। जब गाड़ी पटराना पुल के पास पहुंची तो वहां खड़े दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने गाड़ी में लिफ्ट के लिए गाड़ी को रोकने के लिए हाथ का इशारा किया, जिस पर ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। जैसे ही वह आदमी गाड़ी के नज़दीक आया पुलिस को देखकर पुलिस चिल्लाने लगा और पीछे की ओर भाग गया। ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ी और उनका पीछा किया। उनमें से एक व्यक्ति ने अपनी पीठ में पिट्ठू बैग उठाया हुआ था। पुलिस ने थोड़ी दूरी पर उनको काबू किया। उनको इस तरह भागने से पुलिस को बैग में किसी अवैध वस्तु का शक हुआ। उनके नाम पता पूछे गए। प्रधान व वार्ड मेंबर ग्राम पंचायत को मौका पर बुलाया गया। उनके सामने बैग की तलाशी ली गई जिसमें से 3 किलो 22 ग्राम चरस बरामद हुई। इस बारा थाना आनी में केस दर्ज किया गया। अदालत में कुल 13 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए गए। आरोपी की ओर से भी एक गवाह करवाया गया। अदालत ने साक्ष्य और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उपरोक्त दोनों आरोपियों को 10 साल सश्रम कारावास व 1,00,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।